तो दोस्तों अभी हम अपने मुर्गियों को टमाटर समार और चावल देने वाले हैं पके हुए। बहुत ज़्यादा शौक से दोस्तों खाते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियोस रेगुलरली नहीं देख रहे हो और आधी ही देख रहे हो, मेरा कहना यही है कि वीडियोस को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अभी मैंने दाना डाल दिया है और देखिए यहाँ भी थोड़ा सा दाना गिर गया था तो मैंने फेंक दिया। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं मुर्गियाँ हमारी, हमने छोटे छोटे से लाए हुए थे दोस्तों, ये 10 रुपये में एक लाए हुए थे, अभी 3 ही बचे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने 5 लाए थे। एक तो दोस्तों उसी टाइम बीमार हुआ था तो मर गया, और उसके बाद फोर्थ वाला जो था दोस्तों उसे बिल्ली ने उठा के लेके भाग गई। और बाकी दोस्तों हमारे बजीज तो आपको दिख ही रहे हैं, उन्हें आज तक किसी जानवर ने नुकसान नहीं किया है। और दाना दोस्तों ख़त्म होते आ रहा है तो दाना भी हमें लाना है। अभी थोड़ा सा दाना दोस्तों नीचे डाल देते हैं क्योंकि बच्चे अभी नीचे ज़्यादा रह रहे हैं इस वजह से, और बड़े शौक से दोस्तों दाना और दोस्तों ग्रीन फीड खाते हैं ये। तो अभी मैंने दोस्तों अंदर डाल दिया है और बहुत ही शौक से खाएंगे ये। और दोस्तों वाइट वाला बज्जी भी नीचे आ गया है दाना खाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा शौक से दोस्तों ये खाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, ठीक है? तो दोस्तों अभी हम अपने बजीज पेरेंट्स को दिखाने वाले हैं कि नए नए बच्चे मटकियों के नीचे आ गए हैं, दिखाते दोस्तों आपको। तो चलिए दोस्तों, आज जो है मौसम अच्छा है और धूप निकली हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे में जो बच्चे आए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे बजीज भी क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों वाइट वाले बजीज बहुत ही ज़्यादा तादाद में भी आ रहे हैं, देखिए आप कैसे सो रहा है वो भी वाइट वाला आया है दोस्तों, नया बच्चा है, और ये सेकंड ब्लू वाला। तो दोस्तों अभी काफ़ी सारे यूनिक कलर आ चुके हैं और हमारे जो बजीज है अलग ही यूनिक कलर के हैं। सबसे पहले मटकी का पानी चेंज करना है दोस्तों, तो हम वो चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने टेढ़ी कर दी है मटकी, और अंडा देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, एक अंडा कोई मटकी से गिरा हुआ है, ख़राब अंडा था दोस्तों ये, तो इसे भी फेंक देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मग्गे में पानी ले लेंगे हम और इसे साफ़ कर देंगे। तो ले लेते हैं दोस्तों सबसे पहले मग्गे में पानी। तो दोस्तों साथ ही साथ पानी ले लिया है मैंने, और अभी हम इस मटकी के बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, जिसकी वजह से जितनी भी गंदगी होंगी दोस्तों पानी के ज़रिए बाहर आ जाएंगी। और उसके अंदर जो पत्थर रखे हैं दोस्तों मैंने इस वजह से रखे हैं कि हमारे जो कुछ बजीज थे, पहले एक यूनिक बजी था दोस्तों येलो एंड रेड आइज़ वाला, तो दोस्तों वो इसके अंदर डूब के मर गया था क्योंकि पानी की गहराई ज़्यादा थी इस वजह से। और इस वजह से दोस्तों हमने पत्थर नीचे रख दिया है कि कोई भी बजी नीचे डूब ना पाए इस वजह से। और ये दोस्तों डगमग होता था बर्तन नीचे से, इसका जो पेंदा था दोस्तों वो सही नहीं था, इस वजह से इसमें अभी हम पानी डालते हैं तो ये डगडग नहीं करता है और सही से रहता है। तो दोस्तों पानी एकदम साफ भर दिया है मैंने, और थोड़ा सा पानी दोस्तों कम लग रहा है मुझे तो वो भी डाल देंगे अभी। तो चलिए दोस्तों अभी लेकर के चलते हैं इसे और लगा देते हैं हमारे केज के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये बजीज बहुत शौक से पानी पिएंगे, और कुछ बजीज दोस्तों इसके अंदर नहाएंगे भी, क्योंकि हमारे जो बेबी बजीज है बहुत शौक से दोस्तों इसके अंदर नहाते हैं, मैंने रख दिया दोस्तों अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों ऊपर में भी बजीज सब मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अभी यही तक का था, अभी हम केज के अंदर का जो मटकियों के अंदर का है वो अपडेट दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हमने जो बजीज की मटकियों का पानी था वो फेंक दिया है, और दोस्तों उसे धो करके अच्छा वाला पानी भर दिया है। और अभी हम दिखाने वाले आपको कि जो हमारे बजीज हैं उनके बच्चे भी और भी मटकियों में आए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों वो भी आपको दिखा देते एक बार। तो दोस्तों मटकियों के अंदर का हाल आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए कितने सारे बजीज हमारे हो चुके हैं माशाल्लाह से। और दोस्तों यहाँ पे 4 बेबी बजीज आराम कर रहे हैं, 2 बड़े वाले और 2 छोटे वाले, और एक एग आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक बजी का बच्चा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो 4 एग्स थे इसके अंदर ये मटकी में बारिश आने की वजह से पानी भर गया था, इस वजह से कुछ एग्स ख़राब हो गए और एक ही एग फूटा। और देखिए दोस्तों ये बेबी बजी कितना प्यारा लग रहा है, और साथ ही साथ एक ये वाला बच्चा दोस्तों बचा हुआ है इस मटकी का, बाकी दोनों बजीज नीचे आ गए हैं बच्चे, और ये एक ही बचा हुआ है इसके अंदर इस मटकी में। और ये वाला जो बेबी बजी आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी दोस्तों डर के भाग नहीं रहा है हमसे, बहुत ही प्यारा है दोस्तों ये। तो
दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और देखते रहिए दोस्तों रजा पैक्स।